फिल्म को लेकर किस तरह इंतजाम किए गए? सी फिल्म पद्मावत कल रिलीज हो रही है तो महाराष्ट्र में रफली 400 आर्ट थिएटर्स में एक साथ रिलीज होगी। यहाँ महाराष्ट्र में अभी तक कोई सीरियस एजिटेशन इस चीज़ को लेकर के नहीं हुआ है। सिम्बॉलिक एक दो जगह ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, हालांकि मीटिंग्स वगैरह इनकी हुई थी कि एजिटेट करेंगे, बट हर यूनिट कमांडर को मैसेज दिया गया है। वो थिएटर ओनर्स के साथ भी टच में हैं, उनके साथ मीटिंग ले चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था को रिव्यू कर चुके हैं, और साथ में जो एजिटेटिंग ग्रुप हैं उनके साथ भी डायलॉग में हैं टू इंश्योर एंड रेगुलेट कि कहीं पर भी इनकी एक्टिविटी की वजह से अव्यवस्था नहीं फैले। और सुटेबली उनको एडवाइज़ किया गया है कि जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो थिएटर्स के अराउंड आने जाने के रास्ते पर स्ट्रीट्स में इम्पोर्टेंट लोकेशन पे रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी चीज़ को टाइमली कंटेन किया जा सके। हाँ, ये सुनने में आया कि मुंबई सिटी के अंदर जो कोशिश कर रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए अराउंड 100, आई डोंट नो ऑफिशियल फिगर क्या है, बट यस कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। और एक इंसिडेंट हमारे यहाँ महाराष्ट्र में धुले में हुआ है जहाँ पर बस को जलाने की कोशिश करने लोगों ने पैसेंजर्स को उतार करके, उस पर केस भी रजिस्टर हुआ है, उसमें 8 या 10 लोग अरेस्ट भी किए जा चुके हैं कल रात में। थिएटर ओनर से उनसे कुछ बात हुई, किसी तरह का आश्वासन दिया है क्या आपकी? और यस, पहले ही हमने बताया कि यूनिट कमांडर्स ने थिएटर ओनर्स के साथ मीटिंग कर ली है और आज भी लोग मीटिंग के प्रोसेस में हैं। उनको एडवाइस भी किया गया है कि उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, प्राइवेट सिक्योरिटी है, उसको थोड़ा मुस्तैद रखें, और थिएटर का एक्सेस कंट्रोल है, फिस्किंग है, चेकिंग है, किस तरीके के एलिमेंट्स आते हैं जाते हैं उनके ऊपर भी नज़र रखें ताकि कोई हाल के अंदर जा कर के अव्यवस्था नहीं फैलाए। तो जो प्रिकॉशन लेना है उस तरीके की सूचनाएँ थ्री यूनिट कमांडर सारे थिएटर ओनर्स को मीटिंग लेकर के दिया जा चुका है, उनकी सिक्योरिटी का रिव्यू भी लिया जा चुका है।